इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम की नगरी में। और आज देखिए 20 जनवरी 2024 है, आज का दिन इसलिए भी अहम कहा जा रहा है क्योंकि आज के दिन भगवान राम लला की वो प्रतिमा जो करीब 495 सालों से टेंट में रखी गई थी, आज वो प्रतिमा नए मंदिर में विस्थापित की जाएगी। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस वक्त अयोध्या के अंदर खासतौर से जो राम मंदिर है, राम मंदिर के बाहर का ये नज़ारा है। और बाहर से आप देख सकते हैं किस तरह से भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। भक्त पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी कि देश के अलग अलग कोने कोने से अयोध्या में इस वक्त भक्त पहुँच रहे हैं। और जिस तरह से 22 जनवरी 2024 की तारीख भगवान प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा की रखी गई है और उसको देखते हुए यहाँ पर भक्तों का तांता लग रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से हम देखें तो आज यानी 20 जनवरी को अब अयोध्या में बाहरी लोगों की एंट्री फिलहाल बैन कर दी गई है, बाहर से लोग नहीं आ सकते हैं। और अयोध्या में कई लेयर सिक्योरिटी इस वक्त बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पर आपको पुलिसकर्मी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। मैं जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ, जैसा मैंने जिक्र किया, ये भगवान राम मंदिर के मुख्य द्वार का ये नज़ारा है। और यहाँ से आगे मेरे पीछे अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो ये रास्ता हनुमानगढ़ी की तरफ जाता है और दूसरी तरफ यानी दूसरे छोर पे ये रास्ता जाता है फैज़ाबाद की तरफ। तो तैयारियाँ यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त की गई हैं और सिक्योरिटी के लिहाज से भी, क्योंकि अब से 3 दिन पहले 3 संदिग्ध पकड़े गए थे जो कुख्यात गैंगस्टर सुखा टुन के, जिसकी हत्या कनाडा में अब से 2 से 3 महीने पहले की गई थी, उस गैंग के वो बताए जा रहे थे। और इसीलिए कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था और भी चाक चौबंद कर दी गई है। UPATF के जो ब्लैक कमांडो हैं उन्होंने उस गैंगस्टर को गिरफ्तार किया था, उस संदिग्ध को गिरफ्तार किया था और फिलहाल उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद अब उनसे पूछताछ की जा रही है। तो जहाँ भी नजर दौड़ाएंगे आप, इस तरह का माहौल आपको देखने को मिलेगा। और अयोध्या इस वक्त सुरक्षा के लिहाज से, राम भक्तों के लिहाज से या फिर किसी भी लिहाज से आप देखेंगे तो आपको अयोध्या में इस वक्त पूरा देश देखने को मिलेगा अयोध्या के अंदर। क्योंकि अभी लोगों से बात कर रहे थे तो कोई पूरब से, कोई पश्चिम से, कोई उत्तर से, कोई दक्षिण से, ना कोई भेदभाव, ना कुछ। यहाँ पर लोग जमकर आ रहे हैं, जमकर संख्याओं में, मतलब भारी से भारी संख्याओं में पहुँच रहे हैं। और उनका साफ तौर से यही कहना है कि जब तक 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा पूरी नहीं हो जाती तब तक वो अपने घर से जाने वाले नहीं हैं। तो इस तरह की तैयारियाँ अयोध्या के अंदर देखने को मिल रही हैं। तो बने रहिए, हम आपको पल पल के लिए देखते रहेंगे।